बहुत इम्पोर्टेंट। तो इसमें चार इंटरनल कंबसन इंजन, जिसमें हम पढ़ेंगे, उसके पढ़ेंगे कितने टाइप्स के इंजन देखेंगे, और उसका अलग अलग कंपोनेंट को उसने थोड़ा जो करना है इस आपके तो अपनी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट को न्यूमेरिकल में ही प्रॉब्लम आता रहता है, बराबर। तो ट्राई कीजिए कि ऐसा ना हो, हम पूरा कवर करेंगे जिससे हम पूरा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी। सेकंड चैप्टर हमारा अल्टरनेट, जो हमारा कन्वेंशनल फ्यूज यूज कर रहे हैं, कौन कौन से हैं ऐसे इंजन में यूज। अभी तक आपने ऑटोमोबाइल फ्यूल यूज हुए हूँ, से देखा है, मीन्स कॉम्प्लेक्स नेचुरल गैस देखा है, बराबर। हाँ, वो हमने देखा, और आपने कहीं जगह पे देखा होगा, बहुत जगह पे यूज हुआ है, जैसे कि बहुत जगह पे आपने कहीं पे ऐसा एक्सपेरिमेंट सेटअप देखा होगा, हाइड्रोजन से वर्क करता हुआ इंजन भी रन। हाँ, हाइड्रो तो वो क्योंकि है कि नेचुरल यूज पेट्रोल डीजल कम, बराबर वो कुछ खत्म हो जाए, सोर्स फाइंड आउट करना पड़े। तो ये जो इसके लिए अल्टरनेटिव पड़े, तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स में सी है, बराबर ये सब अलग अलग नाइट्रोजन की अलग अलग इसका, बराबर। न्यूक्लियर हाँ जी, रिएक्टर से भी होता है क्या? न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर कंसेप्ट हो जाएगा, जिससे ऑटोमोबाइल यूटिलाइजेशन एप्लीकेशन अभी तक नहीं, अभी रिक्वायर्ड। और उसमें जो प्रोसेस होता है उसमें कहीं भी इट विल बी वेरी डेंजरस टू ह्यूमन एंड एनी स्पीसीज अराउंड द मशीनरी, बराबर। तो ऐसे से हम अभी नहीं हुआ है, वो पावर को वो एक्सटर्नल कंबस्टन है, तो पावर प्लांट है वहां पे यूज होता है। यूरेनियम इंटरेक्शन के यूटिलाइज होती है टू बॉइल द वाटर, बराबर, करने के लिए टरबाइन रन करेगा, जनरेट होगा, बराबर। वो कंसेप्ट अलग है, वो न्यूक्लियर पावर का कंसेप्ट है, लेकिन वो लेकिन कहीं पे भी ऑटोमोबाइल व्हीकल में वो कंसेप्ट नहीं है अभी, और वो पॉसिबल भी नहीं है अभी, बराबर। तो वो अल्टरनेट वो सेकेंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद का थर्ड चैप्टर है, उस अनदर मोस्ट इंपोर्टेंट सब चैप्टर है, वो है रेफ्रिजरेशन, बराबर। रेफ्रिजरेशन प्रोसेसेस क्यों यूज होता है, बेसिक ही, बराबर। कौन कौन से साइकल्स पे हमारा डोमेस्टिक के घर पे डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होगा, बराबर। किसी भी चीज को लो टेम्परेचर पर स्टोर करने के लिए, बराबर, तो हम हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं। वो कैसे वर्क करता है, बहुत सारे रेफ्रिजरेटर होते हैं अलग अलग काइंड के, वो कैसे कैसे, अगर कोल्ड स्टोरेज प्लांट होता है तो वहां पे तो यूज होता है, कौन सी प्रोसेस साइकिल रेफ्रिजरेटर, वो हम डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड आएंगे। तो